Ukraine! Glory to Ukraine! Glory. What is your name? My name is... Сливайте, кто... А, два, три. Вуууу! Ничего, она красивая. Me. You blogger? Yeah. Yeah? Yeah. Oh. You poor, see. Okay. Say, what... Давайте. There was is a Turkey colonial. Turkey colonial? Mm-hmm. And anything more do you know? तो हेलो गाइज, वेलकम टू जीत ब्लॉग। और अभी दूसरा ब्लॉग चेनिविस्की का हो रहा है। ये संत मैरी स्क्वायर है। तो यहाँ पे जैसा अपना टर्नोपिल में आपने देखा होगा क्या कि अपना जो थिएटर टाइप का है, नहीं तो आपने बुद्धा पे शंगरी में देखा होगा राइनोक स्क्वायर वाला वीडियो। अगर अब तक आप नहीं देखे हो तो जाके वो वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे अभी वही दिखाने जा रहे हैं आपको, एक मस्त सा इवनिंग में बैठते हैं लोग ज़्यादा। अभी तो मैं आया हूँ दोपहर में, मतलब ये भी अभी शाम ही है। बट लेकिन इसमें क्या दिक्कत है ना कि अभी धूप ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ रात को उजाला रहता है 9 बजे तक, 10 बजे जाके शाम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसी वजह से अभी हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से। यहाँ पे फाउंटेन था, फाउंटेन लगता है ख़राब कर दिया गया है। और इधर फिर ये भी संत मैरी स्क्वायर जो है बहुत ही पुराना है, बट लेकिन क्या गाइस, ये देख सकते हो एक तजिया टाइप का बना हुआ है अंदर से, मकबरा टाइप का। और ये क्या कहता है, ये संत मैरी नाम की एक रानी थी, आप आगे देखे होंगे क्या कि उसी के नाम से ये वाला विख्यात है ये जगह। और उधर एक अलग से क्लॉक स्क्वायर बना दिया गया है, और इसको जैसे संत मैरी स्क्वायर बोलते थे तो उसी वजह से यहाँ पे देख सकते हो पुराने ज़माने के हैंडपम्प टाइप का लगा हुआ है। और इसे क्या कि बचा के रखा गया, ये बहुत 600 साल पुराने हैं, तो इसी वजह से ये अभी थोड़ा सा फिर भी इसको थोड़ा सा मेनटेन करके रखा गया है, नहीं तो पहले तो और ज़्यादा अच्छा होगा और अब डे बाई डे और ख़राब हो जाएगा नहीं अगर ये लोग मेंटेन करते हैं तो। और जो संत मैरी क्यों नाम का बता रहे थे वो आपको देखने को मिल जाएगा इधर, अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो मैं जूम करता हूँ और नहीं तो मैं उसके पास लेके जाता हूँ आपको। गाइस आ गए संत मैरी क्यों जो रानी थी उसके पास, और उसी के नाम से ये स्क्वायर जाना जाता है, और इसी के वजह से ये पूरा फेमस भी है ये जगह यहाँ पे। और उसे जो ऊपर में देख रहे हैं वो टर्किश ब्रिज बोलते हैं, तो टर्किश ब्रिज के साइड भी चलते हैं। सो गाइस ये देख सकते हो टर्किश ब्रिज, और ये टर्किश नाम से फेमस था ये ब्रिज, और इधर ये जो था संत मैरी के नाम से। और ये ब्रिज छोटा सा है बट लेकिन यहाँ पे है क्या कि मस्त इसको सजा के रख दिया गया है यूरोपियन कल्चर के द्वारा, कि आप देख सकते हो पूरी तरह के से एकदम स्टेप बाई स्टेप फूल उल लगा के एकदम सजा दिया गया। और देखो यहाँ पे कितना नीचा ये पड़ जाता है शहर, और ये देखो ऊपर में कितने ऊपर में घर बना देते हैं। तो ये सारा चीज़ आप एक करके देख सकते। सो गाइस जैसे ही ब्रिज पे आओगे तो आपको ये लव वाला मिल जाएगा हर जगह यूरोप में, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर कहीं ब्रिज उड़ जाएगा आपको मिल जाएगा, और यहाँ से ये देख सकते हैं हमारी दादी, और ये कर रही हैं, ये बना रही है अपना आर्टिस्टिक यहाँ पे संत मैरी के सामने। यहाँ मस्त सा शहर का पूरा नज़ारा भी मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे अपना काम भी कर रही है सारा चीज़। ये लिखी है दोबरे रैनोक, और इस तरफ फूल बनाई है, और इस पर भी अभी काम चल
चला ही रही है। तो जिस तरह अपना इंडिया में चलता उसी तरह यहाँ भी देख सकते हो क्या, क्योंकि इंडिया में ये सब यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली अपना लिखने लग जाते और यहाँ पे ये डायरेक्टली बना रही है, पूरा तरीके से बना रही है इस पर। और ये लग रहा है कि डाइनिंग टेबल है इनका, उसी के ऊपर बना रही है। से थैंक यू मैम। तो गाइज ये मेरा थर्ड ब्लॉग रहा आपका चर्निविस्की का, तो थर्ड ब्लॉग सेंट मैरी स्क्वायर का। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये अभी और आएगा एक दो ब्लॉग, देखते हैं, अभी टाइम शाम हो रहा है, कल तक मेरे पास टाइम है। अगर जितना ब्लॉग हो सके शूट कर सकते हैं शूट कर लेते हैं और हर एक जगह का हिस्ट्री बना देते हैं। कि अभी व्यूज़ मेरे वीडियो पर काफ़ी कम आते हैं, लेकिन फिर भी सब बोलते हैं कि क्यों करते रहता है, तो मैं इसलिए क्या करते रहता हूँ कि एक तो मेरा मेमोरीज़ बन रहा है, एक घूमने का भी जो होता है कि ऐसे भी घूमना था तो वीडियो बना के क्यों ना घूम के टाइम काटा जाए। और छुट्टियों का समय चल रहा है तो इसी वजह से हम चाहेंगे कि पूरा अपना वीडियो में समय दे, कभी ना कभी तो कोई वीडियो वायरल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।